नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिना गारंटी लोन की इस योजना के बारे में। केंद्र सरकार देश में गरीब तबके के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम करती रही है। हमने देखा कि मनरेगा के तहत वैसे लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया था जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जा सके और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के तहत जोड़ा जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को आर्थिक और सोशल सिक्योरिटी देती है। ऐसे ही इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इस स्कीम की शुरुआत 2 जुलाई 2020 को की गई थी। इस स्कीम के जरिए 24 मार्च 2000 से पहले रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सरकार लोन देने की सुविधा देती है। बता दें कि यह लोन गारंटी फ्री होता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के बारे में आपको बता दें कि यह योजना पहले 2022 में समाप्त होने वाली थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। बता दें कि यह कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद देश में मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया था। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का रोजगार छूट गया, उनका व्यवसाय समाप्त हो गया था। ऐसे में यह योजना रोड पर रोजगार करने वाले लोगों के लिए एक वरदान के रूप में है। आपको बता दें कि इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये की गारंटी फ्री लोन देने की सुविधा शुरू की गई। इस योजना के तहत लोगों को लोन 1 साल में लौटाना होता है। बता दें कि अगर आप इस लोन को लेने के बाद तय समय पर लौटा देते हैं तो दूसरी बार आपको 20,000 रुपये का लोन और तीसरी बार में 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। सरकार की तरफ से जारी योजना के आंकड़ों को अगर हम बात करें तो सरकार ने कुल 34 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को 3,628 करोड़ रुपये का लोन पीएम स्वनिधि योजना के तहत बांटा गया है। आपको बता दें कि सरकार बिना किसी गारंटी के इस लोन को सुविधा देती है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप तय समय पर लोन चुका देते हैं तो आपको 7% का सालाना ब्याज में सब्सिडी भी मिलता है। ऐसे में आपको कुल 1200 रुपये का कैशबैक आपके खाते में आ जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है, यानी कि करना होगा। सभी सरकारी बैंकों में इस स्कीम का आवेदन उपलब्ध है। आप इसे आसानी से फिल कर सकते हैं या फिर इसे भर सकते हैं। इसमें आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी होगी। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपके खाते में लोन की पहली किस्त आ जाएगी। आखिरी में ये जान लेते हैं स्वनिधि योजना में अप्लाई कैसे करें। आपको सबसे पहले pmswanidhi.mohua.org.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना फॉर्म भरना होगा। आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दो तरीका है, एक तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोनों अलग अलग तरीका है, एक ऑनलाइन तरीका है, एक ऑफलाइन तरीका है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास आधार लिंक मोबाइल होना चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। पहला कि आप किसी भी सरकारी बैंक में जाएं और कहें कि हमको पीएम स्वनिधि योजना के तहत अप्लाई करना है। और इसकी जो पहली शर्त यही है कि आप जो है रेहड़ी पटरी पे यानी कि रोड पे रोजगार करते हों, ऐसे लोगों को जो है सरकार पहले किस्त के रूप में 10,000 रुपये, अगर आपने तय समय पर यह किस्त पूरा कर दिया तो दूसरी किस्त 20,000 रुपये आपको देगी। उसके बाद तय समय पर किस्त पूरा होने के बाद आपको तीसरे साल में जो है 50,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो एक तरह से कह लें कि किसी भी रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए यह योजना बहुत ही कारगर है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।